जी कहिए जी। जी आप कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं? मैं शूट के लिए नोएडा की तरफ जा रहा था जी। सुनिए, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैं अपना पंप घर पे भूल आई हूँ, और यहाँ आसपास में कोई कन्वेंस भी नहीं मिल रहा, तो क्या प्लीज आप मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बैठिए, हम अभी केमिस्ट से पंप ले लेते हैं जी। वो केमिस्ट से नहीं मिलेगा, बहुत लेट हो जाएगा, मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, प्लीज आप मुझे घर पे छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ हाँ आप बैठिए, कहाँ है आपका घर? जी मेरा घर है सेक्टर नोएडा, सेक्टर 16 में। आइए बैठिए, जल्दी चलते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए आप जल्दी से इन्हें अस्थमा का पंप दीजिए, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। हाँ मैं दे दूँ। मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी चलो, हाँ आराम से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सो मच, अगर आज आप ना मिलते तो कुछ भी हो सकता था। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे ये आपकी बेटी है क्या? ओह हाँ, मैं तो इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गई, ये है मेरी बेटी प्रिया। हेलो प्रिया, नाइस टू मीट यू। हाय, नाइस टू मीट यू। मम्मी आप अपने गेस्ट को बस ऐसे खड़ा रखेंगी, बैठने को नहीं कहेंगी? अरे बातों बातों में तो भूल ही गई, आप बैठिए ना। थैंक यू, फिर कभी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे ऐसे कैसे, आपने मेरी मम्मी की कितनी हेल्प की है, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए मेरे हाथ की एक कप चाय तो बनती है, प्लीज आइए। थैंक यू, फिर कभी। फिर कभी क्या, आप बैठिए ना। अरे प्रिया तुम चाय क्यों बनाओगी? प्लीज तुम चाय क्यों बनाओगी, मैं बना के लेके आती हूँ ना, आप बिठाओ इनको। ठीक है जी मम्मी, अभी आइए 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 ना प्लीज। थैंक यू। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जी मेरा नाम राहुल है, मैं शॉर्ट मूवीज बनाता हूँ, आई एम अ डायरेक्टर। क्या रियली? मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, आई मीन आई लव एक्टिंग। वाओ क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। राइट, आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ, इनफैक्ट काफ़ी टाइम से मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश भी कर रही हूँ, लेट्स सी कब मिलेगा। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी शॉर्ट मूवीज में काम कर सकती हैं, और वैसे भी मुझे करेक्टर की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। आई मीन वाई नॉट, ये तो वही वाली बात हुई ना कि ऑफर मेरे सामने आ रहा है और मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ, मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। थैंक यू सो मच। अरे मम्मी आपको पता है राहुल भी मेरी फील्ड से हैं, ये डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म में मुझे लेने का ऑफर भी दे दिया है, अब आप देखना कि इनकी फिल्म हिट हो जाएगी मुझे लेने के बाद। अरे ये ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। राहुल तुम चाय पियो ना, आप भी लीजिए ना, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चलता हूँ, और हाँ प्रिया मैं तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छे स्क्रिप्ट भेजता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल आपने मुझे अपना नंबर तो दिया ही नहीं। अरे लीजिए, 997। हाँ ठीक है प्रिया, ओके बाय। हेलो। हाय राहुल कैसे हो? हाय प्रिया मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत सही टाइम पर कॉल किया तुमने।
मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। सच्ची? लेकिन किस लिए? अरे लगता है तुम वो भूल गई शॉर्ट मूवीज वाली बात। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा करेक्टर है, मैं तुम्हें शॉर्ट में उसकी कहानी सुनाता हूँ। अभी टाइम है तुम्हारे पास? अरे इस चीज़ के लिए तो टाइम ही टाइम है। जी बताइए। देखो ये स्टोरी शुरू होती है कि तुम वहाँ से आ रही हो। वाओ राहुल, स्क्रिप्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मेरी तरफ से डन है। लेकिन मैं ऐसा चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लूँ आपसे। उसके लिए राहुल, अगर आप मेरे घर स्क्रिप्ट लेकर आ जाएं, तो सामने से ना मैं अच्छे से समझ पाऊँगी और अपने कैरेक्टर को भी थोड़ा और अच्छे से रोल प्ले कर पाऊँगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आने में? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, फिर आज शाम को मिलते हैं तुम्हारे वाले फ्लैट पर। डन, बाय। तुम्हारी स्क्रिप्ट। ओफो राहुल, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले ये बताओ क्या पियोगे? कुछ भी। तो फिर आज बियर चलेगी? चलेगी। कूल, मैं लेकर आती हूँ। बैठो। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। देखो इसके अंदर है, तुम्हारा ये है कि यहाँ से आना है, काफी इंटरेस्टिंग सीन्स है इसमें। लेकिन तुम्हें मुझको हेल्प करनी पड़ेगी, वो भी आज। आज? और कौन से सीन में? ये जो लव किसिंग सीन है ना, इसमें। पर वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कम। ये क्या कर रही हो प्रिया? सोचो कि तुम मेरे फिल्म के हीरो हो और मुझे तुम्हें किस करनी है। क्या? अरे मतलब फिल्म शूट के टाइम पे मैं नर्वस ना हो जाऊँ ना, इसी वजह से। अच्छा ठीक। ओके तो अब मैं तुम्हें किस करूँगी। तुम्हारी और मेरी वीडियो बना रही हूँ लोगों को दिखाने के लिए। देखो प्रिया, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, इसे डिलीट मारो अभी के अभी। मजाक लग रहा है तुम्हें? ठीक है डिलीट कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? जी हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो डिलीट करवाना है तो पूरे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना तुम्हारे सारे रिश्तेदार और सारे मिलने वालों को भी वीडियो दिखा दूंगी, समझे? मैं जाकर अभी तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। देखिए निशा जी, एक तो सीन प्रैक्टिस के बहाने मुझे अपने रूम पे ले आई और नशे की हालत में मेरा वीडियो बना दिया। अब जब मैंने इसे डिलीट करने को कहा तो कहती है निकालो 5 लाख रुपए। तो सही तो कह रही है मेरी बेटी। वीडियो डिलीट करवाना है तो पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे।
इसका मतलब ये आप दोनों का प्लान था। और निशा जी, आप भी अपनी बेटी के साथ मिली हुई हैं। हाँ, हमारा तो काम ही यही है, नए नए बंदों को फंसाना और उनको ब्लैकमेल करना, समझे? इसका मतलब वो सब एक नाटक था। बस बस मम्मी, आप बस परेशान मत हो, आपको अभी पंप देते हैं। हाँ हाँ, बैठो बैठो। क्या मम्मी, किसको पकड़ कर लेकर आई हो? अरे प्रिया, बहुत मोटी असामी लग रही है ये, इसको फंसा के हम लाखों अड़प लेंगे, बस तू ऐसी अपनी एक्टिंग जारी रख। वाह मम्मी, क्या बात है, आप तो बड़ी सही कैरेक्टर निकली। हाँ चलो, अब कैरेक्टर में आ जाओ, बहुत मस्ती हो गई, उसको शक हो जाएगा वरना। चलो चलो चलो, आप इधर चलो। जी अब जाओ लेके आओ 5 लाख रुपए, नहीं तो ऐसा केस लगाऊंगी कि जिंदगी भर जेल में बैठे बैठे अपनी पिक्चर देखते रहोगे, समझे? अब निकलो यहां से, लेके आओ 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं लाता हूँ 5 लाख रुपए। वाओ मम्मी। एक तो मुर्गा फंसा। हाँ बिल्कुल। लुक हु इज हियर, क्या बात है, बड़ी जल्दी। ये पकड़ो 5 लाख रुपए और वीडियो को डिलीट करो अभी के अभी। श्योर। ये कर दिया डिलीट, खुश। मम्मी 5 लाख, सही बताया आपने सर। सारे पैसे खत्म हो गए, मुझे मैनिक्योर भी करवाना था। हाँ तो पैसे कहीं से आएंगे ना, तो तभी होगा ना सारा काम। मम्मी राहुल को कॉल करें क्या? हाँ, बहुत दिन हो गए ना। उसको कॉल करो, दो पैसे उससे। बस सिद्धार्थ, एक बार ये मेरी स्क्रिप्ट पास हो जाए ना, फिर देखना मैं कहाँ से कहाँ पहुंचता हूँ। हेलो। हेलो राहुल डार्लिंग, कैसे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वो क्या है ना, जो तुमने 5 लाख रुपए दिए थे वो खत्म हो गए और मुझे पैसों की जरूरत है, तो तुम 1 लाख रुपए और लेकर आओ ना। देखो ऑलरेडी मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे चुका हूँ, और वैसे भी वो वीडियो तो तुमने डिलीट कर दी थी। ओ राहुल, तुम कितने भोले हो, जब तुमने 5 लाख रुपए दिए थे तो वीडियो मैंने मोबाइल से तो डिलीट की थी, लेकिन जितनी देर में तुम लेकर आए थे ना पैसे, उतनी देर में मैंने उस वीडियो को अपने लैपटॉप पे कॉपी कर लिया था। अब अगर तुम्हें वहाँ से डिलीट करवानी है तो 1 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे, वरना तुम्हें तो पता ही है ऐसी वीडियोस कितनी जल्दी वायरल हो जाती है ना। अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही हो। यही तो काम है हमारा, क्या करेंगे वरना। और सुनो, अब ज्यादा मत बुलवाओ, चुपचाप 1 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रहे कुछ? हाँ यार सिद्धार्थ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चल एक काम कर, तू चल मेरे साथ। आ। वाओ, कितनी फास्ट सर्विस है तुम्हारी, आई एम इंप्रेस। देखो वो वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, क्या कर लोगे तुम? तुम इसी तरह हमको पैसे देते रहोगे, समझे? अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। प्रिया देखो राहुल, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, अब उधार लो लोन लो आई डोंट केयर, पैसे तुम्हें देने हैं, वरना तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो का क्या होगा। वैसे बाकी की किस्त हम आपको जेल में टाइम पर दे देंगे। हाँ
कौन? पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धार्थ? तुम जैसी औरतों की वजह से हमारा समाज बदनाम है। चलो मेरे साथ थाने, या बुलाऊं लेडी कांस्टेबल, सीट तो लेके जाएगी तुमको यहाँ से। चलो चलो प्रिया।